नमस्कार, आप देख रहे हैं सरसाई ट्यूब। और अभी भी आग पर काबू नहीं पाया जा सकता। साथ में जब यहाँ का पीछे का जब दृश्य देखिएगा तो जेसीबी के मदद से भी इस खिड़की को तोड़ने का प्रयास किया है। वहाँ का जब दीवारें जब देखिएगा तो टूटकर यहाँ लटक गई है, लेकिन आग की जिस तरह का लपट है वैसे ही अंदाजा। और साथ में फायर ब्रिगेड यहाँ जब दिखाइएगा सर, फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ है वो लगातार आ रही है आग पर काबू पाने के लिए। और यहाँ जब देखिएगा तो हजारों की तादाद में साथ में स्थानीय लोग भी इस पर आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आग है कि लपट रुकने का नाम ही नहीं लिया जा रहा। इस वीडियो को देखिए और पहले ये देखिए, देखने का प्रयास कीजिए कि इसमें सूता और रिफाइन, या रिफाइन की सारी तेलें जल रही है। और साथ में ट्रांसपोर्ट था, वो भी ट्रांसपोर्ट यहाँ से जलकर खाक हो गया। कुछ सामानें जो है उसको बचा लिया गया, लेकिन जिस तरह की आग की लपटें हैं और साथ में फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, ये तमाम गाड़ियाँ हम आपको इससे SSI ट्यूब चैनल के एक्सक्लूसिव जो खबर होती है उस पर हम आपको दिखा रहे हैं। इस वीडियो कर देखिएगा तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस पर आग कितनी लपट है। मेरा नाम राजकुमार लौरैया है। आग कैसे लगी, क्या वजह? आज हमको लगता है कि कुछ सुजनौती तरीके द्वारा ही लगाया गया है, जिसको आपसे जलसी का कल लगता है, इसलिए कि फायर उसमें लाइन में नहीं है गोदाम, और कोई रहता भी नहीं है वहाँ पे। तो क्या शॉर्ट सर्किट? शॉर्ट सर्किट में लाइन है ही नहीं, गोदाम में लाइन है ही नहीं, मेन ये है। और हमने प्रशासन को वहाँ गए भी, वहाँ भी कुछ सहयोग नहीं मिला। फायर ब्रिगेड में भी तमाम व्यवस्था नहीं है। फायर ब्रिगेड को आने में कम से कम 2 घंटा लग गया। जब तक आ रहा है तब तक आग की लपट बहुत ज़्यादा थी। जिस समय लगा था उस समय हम लोग अंदर गए, उस समय बहुत छोटे से स्केल में था, उसके बाद में ये विकराल रूप ले लिया। और कितने के अनुमान, कितने के लगभग अनुमान? करीब करीब 2 करोड़ रुपए के आसपास का सामान है ये। किस चीज़ का था ये? सूता का काम है हमारा। ये रिफाइन तेल भी है? रिफाइन तेल मकान मालिक का है, हम रेंटर हैं, हम इनके रेंटर हैं, मेरे रेंट हम इनको पेमेंट करते हैं उसी गोदाम में। आग की लपट इतनी भयावह है कि आप इस दृश्य को देखिएगा तो मैं किसी एक दूसरे मकान में हूँ, और यहाँ पर जो लपटे जो है वो काफ़ी दूर दूर तक दिखाई जा सकती है। और पीछे का जब दृश्य देखिएगा तो यहाँ पे तमाम लोग, और ख़ास करके सबसे ज़्यादा अगर कार्य अगर कर रही है तो ये स्थानीय लोग खुद फायर ब्रिगेड की जो भी आग बुझाने वाले संयंत्र है वो लेकर अंदर घुसने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि किसी प्रकार आग पर काबू पाया जा सकता है। और साथ में जब अगल बगल के जो भी घर है वहाँ का जब देखें, बिल्कुल एक डर का माहौल समा गया है कि ताकि हमारे घर में भी आग की लपट न लग जाए। यहाँ का जब भी देखिएगा तो ये तमाम लोग एक दूसरे स्थान से भी आग पर पानी फेंक रहे हैं, और साथ में पानी फेंकने का प्रयास किया जा रहा है। पीछे के मकान से जब देखिएगा तो है, और साथ ही मैं फायर ब्रिगेड से भी कहेंगे कि क्या इतनी बड़ी लपट, इतनी बड़ी त्रासदी में 7 या 8 फायर ब्रिगेड से आग पर काबू पाया जा सकता है? ये सोचने वाली बात है, ये जांच का विषय है, क्योंकि इतनी बड़ी भयावह आग लगने के बावजूद फायर ब्रिगेड की जो भी गाड़ियां आ रही है बिल्कुल जब आ रही है तो पता चलता है कि इनकी पानी समाप्त हो गई है।